रिसेंटली so, मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला भाई एक बजट स्मार्ट वॉच सजेस्ट कर दे तो मैं गया एमजॉन पे मैंने काफी सारे ऑप्शंस चेक किए एंड ये कैसी हॉरेबल मार्केट है यार कोई भी कुछ भी नाम से स्मार्ट वॉच बेच रहा है एक ही ब्रांड के पंद्रह से बीस मॉडल है सेम प्राइस सेगमेंट में कोई भी आदमी कंफ्यूज हो जाएगा मतलब हम रिव्यूअर्स भी कितनी स्मार्ट वॉच खरीद के आपको बताए इतनी सारी लॉन्च होती है हर हफ्ते तो मैंने उसको क्या रिकमेंड किया वो तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ बट वी नीड टू आंसर द क्वेश्चन इतनी सारी स्मार्ट वॉचेज मार्केट में क्यों है सिंपल रीजन चाहे

में आपका लोगो आ जाए वॉच बूटअप करोगे तो आपका लोगो आएगा तो ये चीजें ये लोग कर सकते हैं एंड इसी के कारण आपको सारी स्मार्ट वॉचेस मोर और लेस सेम ही दिखती है बिकॉज वो आती ही सेम जगह से ये कोई भी ब्रांड खुद स्मार्ट वॉच डिजाइन नहीं कर रहे हैं जो भी मार्केट में अवेलेबल है वही उठा के आपको बेच रहे तो कल उठ के अगर आपके यहाँ मेरे पास भी पैसा है तो आप भी तीन से पांच पीस स्मार्ट वॉच का इंपोर्ट करके ब्रांड बना के बेच सकते हो तो जो एंट्री बैरियर है ना ये मार्केट में वो काफी कम है एंड क्योंकि ये स्मार्ट वॉच की कंपनियां खुद स्मार्ट वॉच बनाती नहीं है तो ये लोग फीचर्स झगड़ भी नहीं सकते सब में सेम ही फीचर आपको मिलने वाले हैं तो फिर ये लोग कंपीट करते कहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल दे डू इट इन टर्म्स ऑफ प्राइजिंग आपने देखा होगा मेजोरिटी ऑफ द स्मार्ट वॉचे जो आ रही है दो हजार रुपए के आसपास ही आती है बिकॉज इंडिया में ना प्राइसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मेजोरिटी ऑफ द लोग यही प्राइस सेगमेंट में स्पेंड करते हैं यहीं पे सारे मॉडल्स आते हैं एंड एक ही ब्रांड के फायरबोल्ट के मैंने देखे कितनी सारी वॉचेज सेम प्राइस सेगमेंट में एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही है एंड यही उनकी दूसरी स्ट्रेटेजी है बिकॉज यहाँ पे इनके पास कोई स्पेशल फीचर है नहीं तो ये लोग क्या करेंगे मार्केट को फ्लड करेंगे जितने मॉडल मिल रहे उतने मॉडल ला ला के मार्केट में छोड़ देंगे ताकि क्या होता है कि अगर किसी को डिजाइन पसंद है किसी को स्क्वायर डिजाइन पसंद है किसी को एप्पल वॉच जैसे दिखने वाले डिजाइन पसंद है सबके लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट तो होगा ही मार्केट में यूजुअली क्या होता है एक ब्रांड का एक प्रोडक्ट होता है किसी को अच्छा नहीं लगा तो दूसरे ब्रांड में चला जाएगा ऐसा नहीं ये लोग सेम प्राइस में एक ही ब्रांड आपको इतने सारे ऑप्शन देंगे कि आप कुछ ना कुछ तो उठा ही लोगे ये ब्रांड में से एन आप दूसरी ब्रांड के पास नहीं जाओगे ऑफलाइन में भी ये लोग यही करते हैं सारे स्टोर फ्लड कर देते हैं एंड ऑफलाइन का तो वही है सेल्समैन को जिसपे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है जिसपे ज्यादा कमीशन मिल रहा है

काफ़ी सारी ब्रांड्स ये करती है मतलब ये कॉमन हो गया है एकदम अगर आपको सिंपली फिगर आउट करना है ना कि वॉच में कितनी बेजल है आप जाके उनके फ़ोटोज़ देखो पहले फिर अमेजोन में वही प्रोडक्ट के जाके रिव्यूज़ देखो वहाँ पे फ़ोटोज़ में आपको पता चल जाएगा कि कितनी थिक बेजल्स हैं तो ऑनलाइन में ये लोग ऐसे उल्लू बना देते हैं कंज्यूमर को ऑफलाइन में ये लोग क्या करते हैं जो वॉच का बॉक्स होता है उसके ऊपर पतले पतले बेजल वाले फ़ोटो दिखा देते हैं तो ऑफलाइन बायर को क्या लगेगा वॉच में इतने पतले बेजल है एक बार प्रोडक्ट ले लिया बेजल थिक निकले पैसा दे दिया है क्या ही करोगे तो ये कस्टमर को ऐसे उल्लू नहीं बनाना चाहिए बट ऑनेस्टली मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर्स को इसकी पड़ी ही नहीं है अब जाके रिव्यूज देखो ये सारे स्मार्ट वॉचेस के सब में इनमें कितने सारे स्टार्स मिले हैं तो लोगों ने एक बार पैसा डाल दिया फिर दे डोंट केयर एक दो दिन शायद लगेगा बट उनके लिए उनको खाली स्मार्ट वॉच चाहिए अभी वो क्वालिटी कैसी है वो उनके स्टेप्स अच्छे से ट्रैक करेगा या नहीं ऐप सपोर्ट कैसा है वो सब ठीक है खाली ट्रेंड बन गया है हाथ पे कुछ चाहिए स्मार्ट वॉच जैसा स्क्रीन होनी चाहिए एप्पल वॉच जैसी दिखनी चाहिए एंड जब तक वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है दो हज़ार का ही है तो लोग खरीद रहे हैं एंड जब खरीदने वाले कोई क्वालिटी की उतनी पड़ी नहीं है मतलब दस में से शायद एक दो हम जैसे टेकी लोग कंप्लेन करेंगे बाकी जब तक क्वालिटी का कंप्लेन नहीं कर रहे उन्हें पड़ी नहीं है तो ब्रांड क्यों ध्यान देगा क्वालिटी पे बिकॉज ये सारे वॉचेज में फीचर्स काफी सारे आते हैं कॉलिंग की स्मार्ट वॉचेस बहुत पॉपुलर हो गई है अभी बट उसमें वॉइस क्वालिटी उतनी खास नहीं होती है इनका जो स्टेप ट्रैकिंग होता है वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है स्लीप ट्रैकिंग वर्कआउट मोड सब में मिलते तो है फीचर्स बट वो उतने एक्यूरेट नहीं होते एंड ऐप सपोर्ट भी इनका बहुत बेकार होता है जो चाइना की सारी वॉचेज है ना वो एक दो ऐप पे रन करती है एक, फिट करके है, एक और ऐप है तो काफी सारी स्मार्ट वॉच खुद के ऐप बनाया है बट काफी सारे वॉचेस अभी भी ये सारे ऐप यूज कर रहे हैं आई थिंक फायरबोल्ड की काफी सारी वॉचेज डाव फिट ऐप पे चलती है बिकॉज ये लिटरली रिब्रांडेड ही है आपको एप आप सपोर्ट उतना खास नहीं मिलेगा अभी जो ब्रांड के पास साठ मॉडल है आपको लग रहा है की वो एप सपोर्ट पे ध्यान देगी

ड ब्रांड ये स्मार्ट वॉच का फैट छोड़ दो अगर आपको अच्छा सा फिटनेस बैंड मिल रहा है शाओमी का रियल मी का वो उठा लो उसके अलावा घड़ी चाहिए आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए तो वन सेकेंड स्टिक टू दीज ब्रांड्स अमेज फिट है उसके अलावा शाओमी है रियल मी है रियल मी वॉच थ्री प्रो वैसे ये प्रमोशन नहीं है मेरे पास से काफी टाइम्स है इसमें कॉलिंग है इसमें एमोलेट डिस्प्ले है इसमें ट्रैकिंग भी अच्छे से करता है स्टेप्स वेप्स का तो आप ये यूज कर सकते हो वनस अगेन नॉट अ प्रमोशन पढ़ा था यूज किया है इसलिए आपको बता रहा हूं तो ये सारी रेप्यूटेड ब्रांड से स्मार्ट वॉचेस खरीदो एंड टेक्निकली ये सारी भी स्मार्ट वॉचेस नहीं है जो फिटनेस बैंड में होता है वही यहाँ पे आपको मिल रहा है विद द कॉलिंग फंक्शन एक्चुअल स्मार्ट वॉचेस तो महंगी वाली है जिसमें उनके खुद के ओ और एप्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल गैलेक्सी वॉच हो गया गूगल की वेयर ओ की वॉचेज हो गई पिक्सल वॉच एप्पल वॉच हो गया दे आर द ट्रू स्मार्ट वॉचेज मैंने मेरे दोस्त को बजट में यही वाली स्मार्ट वॉच सजेस्ट की थी बट ऑनेस्टली मैंने तो उसको बोला स्मार्ट वॉच का चक्कर छोड़ मस्त एक कैशियो उठा ले ये प्राइस सेगमेंट में जो एक्चुअल ट्रेडिशनल वॉच आपके हाथ पे जो लुक देती है ना वो कोई स्मार्ट वॉच कभी भी मैच नहीं कर पाएगी लोग बोलेंगे कैसा रिव्यूअर है ये खुद टेकी होके स्मार्ट वॉच नहीं पहनता है बट नहीं पहनता यार मैं एप्पल वॉच था बीच में आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखे होंगे आई जस्ट सोल्ड इट ऑफ बिकॉज मज़ा नहीं आया यार बट दिस इज द ट्रूथ ऑफ ऑल ऑफ द स्मार्ट वॉचिज दैट यू सी राइट नाउ ज्यादा से ज्यादा ये लोग ई e वेस्ट ही क्रिएट कर रहे हैं मतलब इतना पंप एंड डंप कर रहे हैं ना ये लोग मार्केट में एक पॉइंट पे ये रुकने वाला है। हमने स्मार्टफोन्स के साथ भी देख लिया था 2018-19 में सेम ब्रांड के थोड़े थोड़े चेंज करके कितने मॉडल आए थे फिर इवेंचुअली इन्होंने मॉडल कम कर दिए अब ये लोग क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं क्वान्टिटी पे नहीं एंड ये सेम चीज थोड़े टाइम के बाद स्मार्ट वॉचिज के साथ भी होने वाला है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा क्या आपकी आंखें खुल गई स्मार्ट वॉचिज़ के बारे में तो बताना मुझे कमेंट्स में वीडियो अच्छा लगा लाइक करो नहीं अच्छा लगा दो बार डिसलाइक कर लेना यहाँ पे आपको मेरे लेटेस्ट रिव्यूज़ मिल जाएंगे एंड आई बी बैक इन योर नोटिफिकेशंस वेरी वेरी सुन